तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई आज हम लोग आए यहाँ पर छसाल इंटर कॉलेज जालौन में, जहाँ पर हमारी स्काउट्स के जो भी कैडेट्स हैं, गर्ल्स बॉयज दोनों ही हैं। तो अभी यहाँ पर बन रही है मानव श्रृंखला, जिसमें लगभग ज्यादा से ज्यादा स्कूल जो है वो आए हुए हैं यहाँ पर। और अभी सभी जो है मानव श्रृंखला भारत का नक्शा बनाकर यहाँ पर प्रजातंत्र को दर्शाते हुए सभी शिक्षक बंधु और हमारे सारे जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, हमारे उप जिलाधिकारी महोदय हैं, वो यहाँ पर आ चुके हैं। हरी झंडी देखे, अभी ये जो पूरे वर्ड है, अभी हम लोगों ने यहाँ पर भारत का जो नक्शा है वो अपनी मानव श्रृंखला से बनाया। काफी बड़ी मानव श्रृंखला जो है वो यहाँ पर 6 साल में बनाई जा रही है। और अभी योजना के बाद सभी लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, एक ड्रोन शूट होगा यहाँ से, बहुत बढ़िया। हमारे इस क्षेत्र के माननीय उप जिलाधिकारी महोदय श्री सुशील कुमार सिंह जी यहाँ विराजमान हैं। उन्होंने पूरे मानव श्रृंखला का पूरा अवलोकन किया, इसके पश्चात अभी हरी झंडी दिखाएंगे। और मतदाता जागरूकता के संबंध में माननीय उप जिलाधिकारी महोदय, बगल में हमारे माननीय नोडल अधिकारी राकेश रंजन जी, आदरणीय धर्मेंद्र कुमार मिश्रा जी, आदरणीय जगदीश जी और समस्त हमारे प्रधानाचार्य बंधु यहाँ उपस्थित हैं। और इस तहसील के यहाँ जितने भी जो विद्यालय हैं, लगभग सभी जो है यहाँ 16 विद्यालय यहाँ एकत्रित हैं। और मानव श्रृंखला बनाकर ये भारत निर्वाचन आयोग के लिए संदेश दिया, पूरे जनमानस के लिए संदेश दिया कि हमारे यहाँ जो मतदान प्रक्रिया है वो कम है, अधिक से अधिक लोग जो है वोट डालें, मतदान करें। उसी प्रक्रिया के तहत आज 13 जनवरी को हमारे माननीय उप जिलाधिकारी महोदय, जो कि पूर्व में यहाँ तहसीलदार के पद पर रह चुके हैं, बहुत ही कर्मठ और ईमानदार व्यक्ति हैं, माननीय उप जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करेंगे कि आज दो सब यहाँ मतदाता जागरूकता पर बोलने की कृपा करें। आदरणीय श्री सुशील कुमार सिंह, मतदाता भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम चलाए जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण उसमें होता है स्वीप प्रोग्राम। अपने ज़िले में जिलाधिकारी महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रत्येक तहसील में स्वीप कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे कि मतदाताओं को जागरूक किया जाए अधिक से अधिक मतदान करने के लिए। उसी के क्रम में जिला विद्यालय निरीक्षक स्वीप प्रभारी नोडल हैं और इस तहसील के प्रभारी राजकीय महाविद्यालय डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल साहब और छत्रसाल के प्रिंसिपल साहब हैं। इनके नेतृत्व में आज एक विशाल मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया है, जिसमें भारत का नक्शा बनाया गया है, स्वास्तिक का चिन्ह बनाया गया है, बहुत से बच्चे तख्तियाँ और बैनर लगाए हुए हैं, जिसमें मतदाताओं को जागरूक करने का प्रोग्राम बनाया हुआ है, लिखा हुआ है, स्लोगन लिखे हुए हैं। छत्रसाल के इस महान विशाल प्रांगण में ये आयोजन हुआ है। इसके बाद ये सभी गाँव नगर में भ्रमण करेंगे और भ्रमण के उपरांत तहसील में जाकर के इनका समापन किया जाएगा। धन्यवाद। आदरणीय राकेश जी ने सर आप भी बताएं, मतलब बहुत मुश्किलों से कई मैंने देखा है कि जितने भी प्रोग्राम होते हैं काफ़ी उसमें कर्मठता से आपने इन विद्यालयों को जोड़ के रखा है और सभी सफल आयोजन ही होते हैं आपके द्वारा, तो सर क्या कोई दिक्कत रही इसके द्वारा और आज का दिन ही क्यों चुना गया इसके लिए? सर आज का दिन तो बेटे इसलिए कि जो जनपद का जो स्वीप का प्रोग्राम है वो हर तहसील में निश्चित किया गया, निर्धारित किया गया है, तो उसमें आज की तारीख हम लोगों को मिली है जालौन तहसील के लिए। तो लगातार जब से डीएम साहब का निर्देशन हुआ और जिला विद्यालय निरीक्षक का निर्देशन हुआ, तो उसी क्रम में हम लोगों ने अपने तहसील के समस्त विद्यालयों को सूचित किया और उसकी एसडीएम साहब के साथ बैठकर के रूपरेखा तैयार करी। और इस रूपरेखा में जैसा कि अभी एसडीएम साहब ने बताया कि हम लोग यहाँ मानव श्रृंखला का निर्माण करके और उसके बाद बच्चे स्लोगन बोलते हुए यहाँ से रैली निकालेंगे, नगर भ्रमण करते हुए एसडीएम साहब के कोर्ट में, वहाँ पर एसडीएम साहब ने बहुत बच्चों के लिए, संपूर्ण बच्चों के लिए जलपान की बहुत अच्छी व्यवस्था करी है वहाँ पर,
और एक ही इसका उद्देश्य है कि मतदाता जागरूक हो और मतदान का प्रतिशत बढ़े और इस स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोगों ने प्रथम चरण में नुक्कड़ नाटक और विभिन्न प्रकार की स्लोगन प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक के साथ साथ फिर हम लोगों ने वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध लेखन, मेहंदी प्रतियोगिता और रंगोली प्रतियोगिता, कई सारी प्रतियोगिताएं आयोजित कराई और दीपदान की भी प्रतियोगिता हुई थी। दीपदान का अभी एक जिलाधिकारी महोदय ने 51,000 दीप जलवा करके वहाँ पर उरई में एक भव्य कार्यक्रम किया था। तो कहीं ना कहीं सर ये मतलब सभी पब्लिक के लिए एक जागरूकता का अभियान है। स्टूडेंट्स को चुना गया, इसका सर कारण बताएं आप। केवल विद्यार्थियों को ही हम क्यों चुन रहे हैं और समाज में एक्चुअली क्या है, समाज में विद्यार्थी एक विद्यार्थी पांच लोग, कम से कम पांच लोगों को प्रभावित करता है। जी बिल्कुल सर, उसके घर परिवार में जितने लोग होते हैं, जो भी बड़े भाई होते हैं, परिवार के जो भी सदस्य होते हैं, वो प्रत्येक बच्चा घर में जाके बताता है कि आज हमारे कॉलेज में ये कार्यक्रम हुआ था। जब पेरेंट्स जागरूक होकर पूछते हैं कि ये क्यों हुआ, तो बताता है कि इसके पीछे का मकसद ये है। तो मतदाता जो है कि वो वोट डालने से चूकता नहीं है, फिर चूक उसमें उन बच्चों का एक श्रेय होता है, उनका श्रम होता है जी। और बच्चे सबसे अच्छे मोटिवेटर कहलाते हैं, कहीं ना कहीं बच्चे की कड़ी सबसे अच्छी कड़ी सबसे होती है, अच्छी कड़ी है समाज में। और वैसे भी कहा जाता है कि माउथ पब्लिसिटी इज द बेस्ट पब्लिसिटी। तो बच्चों को हम इसलिए हमेशा इन्वॉल्व करते हैं। हालांकि ये हमारे बच्चे जो आज यहाँ पे हैं, इनमें से शायद 10% बच्चे ही ऐसे हैं जो स्वयं मतदाता है। अच्छा अच्छा, लेकिन अन्य जो बच्चे हैं ये सारे मतदाताओं को जागरूक करने के लिए बहुत अच्छे उत्तम स्रोत है। जी बिल्कुल सर, धन्यवाद और आपके प्रयास को भी बहुत बहुत सराहनीय करते हैं। तो इसी क्रम में नोडल प्रभारी हमारे आदरणीय श्री डॉक्टर एस आर रजक जी जो यहाँ विराजमान है उपस्थित है। मैं चाहूँगा कि दो सब आज के मतदाता जागरूकता पर कहने की कृपा करें। आदरणीय रजक जी, दीपावली, होली, ईद, इन त्योहारों से भी बड़ा ये त्योहार माना जाता है और मानना भी चाहिए, क्योंकि हमारा देश जो है प्रजातांत्रिक देश है और सरकार को चुनने का अधिकार जो है हमारी प्रजा पर ही है। तो आज जो जिलाधिकारी महोदय और शासन की मंशा के अनुसार केवल आज ही का दिन नहीं है, लगभग एक माह से या उससे पहले से भी निरंतर मतदाता प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य स्तर पर जो प्रयास है, क्योंकि किसी ये त्योहार जो है किसी जाति विशेष या किसी के नहीं होते हैं, जो प्रजातंत्र का जो देश है, प्रजातांत्रिक जो देश है, इसमें जन प्रतिभागिता को, मत प्रतिशत को बढ़ाने के लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं वो सार्थक हो, यही मंशा है जिलाधिकारी महोदय की और शासन और प्रशासन की। हम निरंतर अपने कॉलेज के माध्यम से अपने विद्यार्थियों को, क्योंकि हमारा कॉलेज जो है मुख्य रूप से 18 वर्ष से आयु से अधिक वाले बच्चे हैं और इसमें मतदान करने के लिए उनको प्रेरित करते हैं। वो अपने घर परिवार समाज के लिए मतदाता बनाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं और इन युवाओं की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल भी 12 जनवरी को युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन था, जन्मशती थी, उसमें भी हम लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा किया था, कार्यक्रम किए थे और स्वीप योजना के अंतर्गत इसको और से अधिक कारगर बनाने के लिए हम हमेशा तत्पर हैं और हमारे बच्चे तत्पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय उप जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करेंगे कि इस मानव श्रृंखला का जो यहाँ से जो चलेगी वो यहाँ से होते हुए छसा इंटर कॉलेज जालौन के प्रांगण से सीधे जो है बाजार बैठगंज होते हुए ये जो है उपजिलाधिकारी कार्यालय को वहाँ पहुँचेगी, वहाँ पर ये इसका समापन होगा। तो मैं माननीय उपजिलाधिकारी महोदय से निवेदन करेंगे कि हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना करने की कृपा करें। सर आप बताइए थोड़ा यहाँ पर आके मतलब कैसा अनुभव रहा और आपको क्या लगता है कि ये कड़ी कहाँ तक जाएगी? कहीं ना कहीं इस कड़ी से बहुत फायदा होने वाले, बच्चे में एक रूपता पता लगती है, जागरूकता होती है कि क्या है जी, और बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ आके। तो आपको क्या लगता है सर ये उद्देश्य जो है बच्चे, क्योंकि यहाँ पर जो है अभी इनके ज्यादातर जो भी बच्चे हैं उनके वोट नहीं है, लेकिन आइए किस तरीके से आगे
इस योजना को सफल बनाएंगे सर? बिल्कुल जी, अपने फैमिली मेंबर से बताएंगे, जाके मोहल्ले के लोगों से बताएंगे जी, और जिनसे भी बात होगी जिन्हें वोट डालना उनको जागरूक करेंगे। कहीं ना कहीं वोटर ज्यादा सपोर्टर है ना सर? सपोर्टर रहे जी जी बिल्कुल सर। आप बताइए यहाँ पर आगे आपको कैसा अनुभव हुआ? बहुत अच्छा फील हो रहा है, सभी विद्यालय मिलकर के और बहुत जोश से जो है इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं जी, और बच्चों में बहुत उत्साह है और मतदान करने की इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी हम भी 18 साल के पूरे हों और हम मतदान करें जी। सर बिल्कुल सर, आप बताएं यहाँ पर क्या अनुभव आपका यहाँ पर रहा? अगर जो कार्यक्रम स्वीप कार्यक्रम मानव श्रृंखला जो बनाई जा रही है, इससे बच्चों में जो है एक अलग सा उत्साह देखने को मिल रहा है जी, और ऐसे प्रोग्राम जो है तहसील स्तर जिले स्तर पर लागू होने चाहिए जिससे बच्चों में कहीं ना कहीं वो मोटिवेट हों आगे के लिए, उनका भविष्य सुरक्षित रहे और हम शिक्षक भी इसमें पूरी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं जी। बिल्कुल सर, धन्यवाद सर। बट आप लोग बताइए यहाँ पर कब से आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, किस कॉलेज से आप? हम सर कटालीश्वरी सिंह कॉलेज से, इंटर कॉलेज। अच्छा अच्छा जी सर। मैम तो आप बताइए कि आपको यहाँ पर आके कैसा अनुभव हुआ, आपको क्या लगा यहाँ पर ये श्रृंखला जो बनाई जा रही है किस उद्देश्य में यहाँ पर बनाई जा रही है? मतदान जागरूकता के लिए। मतदान जागरूकता की ये रैली जो है वो बनाई जा रही है, आप कटालीश्वरी सिंह से आई है? ठीक है, धन्यवाद भाई। इंतजार की घड़ियां खत्म, ड्रोन का इंतजार कुछ ज्यादा ही हो रहा था तो अभी बस आ रहा है ड्रोन। अब यहाँ से सब लोग जो है एक ड्रोन से उठोगा तो अभी यहाँ पर आ चुका है ड्रोन, तो जहाँ पर ये भैया ड्रोन उड़ रहा है और यहाँ पर अभी पूरा जो शूट होगा एक ड्रोन शूट। श्रीलंका का नक्शा, अरे तुम गणी थे श्रीलंका को अच्छे से, भारत को ले अच्छे से। तुम लोगों को श्रीलंका में लड़का था, हाँ ले श्रीलंका वालों को ले रहे। नहीं नहीं आए चंजे, भारत का नक्शा अधूरा रहता भी है श्रीलंका के बिना। तो भाई अब समय आ गया है कि हमारे जो महोदय हैं जिलाधिकारी महोदय वो अभी इस समय हरी झंडी दिखा के इस रैली को रवाना करेंगे और फिर उसके बाद ये पूरे नगर में भ्रमण करती हुई जाएगी और लोगों को जागरूक करेगी, जो जन आवाम है उनको जागरूक करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान यहाँ पर हो। सौरभ जी यहाँ पर हमारे सीनियर स्काउट जो हैं 6 साल से, ये अभी हमारे साथ हैं, काफ़ी व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। सर यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं आगे की आपको कुछ पता है इसके बारे में? सर अभी तहसील तक जाएंगे सर। अच्छा तहसील तक हम लोग जाएंगे और आगे हमारा पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी सिक्योरिटी से यहाँ पर लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर मानव श्रृंखला बनाई गई है, काफ़ी लंबी मानव श्रृंखला यहाँ पर जालौन में बनाई गई है छात्रों के द्वारा और सभी स्कूल जो हैं। हाँ सर, अब हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय आदरणीय सुशील कुमार सिंह, माननीय प्रधानाचार्य डॉक्टर राक्षी निरंजन जी, आदरणीय जगदीश शुक्ला जी प्रधानाचार्य जी कोठावन इंटर कॉलेज, और डॉक्टर रजक जी, डॉक्टर धर्मेंद्र मिश्रा जी और समस्त प्रधानाचार्य और जितने भी विद्यालय के प्रधानाचार्य शिक्षक और जो है शिक्षिकाएं बहने और विद्यार्थी छात्र छात्राएं एकत्रित हैं, उनकी मानव श्रृंखला के रूप में अब हमारे जिलाधिकारी महोदय यहाँ से हरी झंडी देकर रवाना करेंगे इस मानव श्रृंखला को। इसके लिए मैं माननीय उपजिलाधिकारी महोदय से निवेदन करेंगे, इन दो लाइनों के साथ सद्भाव राष्ट्र एकता आह्वान को समर्पित, बलवीर राष्ट्र भक्तों के बलिदान को समर्पित, मतदाता जागरूकता अभियान को समर्पित, जन सेवकों के मतदान को समर्पित आदरणीय उपजिलाधिकारी महोदय श्री सुशील कुमार सिंह जी इस पत्र के साथ। और इसके बाद बस हरी झंडी के साथ हमारी आज की यात्रा जो है, ये जो अभियान है वो शुरू हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा, इसके बाद नगर में भ्रमण होगा। यस सर,
तो भाई रैली हमारी निकल चुकी है इस समय, और अभी हम लोग जा रहे हैं तहसील के प्रांगण में। वहाँ पर पहुँचने के बाद बस हम लोग आगे अभी यहाँ पर जा रहे हैं सारी युवा राजकीय महाविद्यालय के। अभी ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जा रहा है। जी जी सर, हमें पता है सर। अभी 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 सर आपने बता दिया। अरे सर, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो भाई रैली हो गई समाप्त, अब हम जा रहे हैं घर पर। तो ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट सेशन में मुझे जरूर बताएं, और ऐसे ब्लॉग देखने के लिए मेरे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, धन्यवाद।